गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी, उसके बाद 2.2 के हमने 1 to 10 क्वेश्चन किए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 21। तो सभी करेंगे क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखें। इसमें आज जो हम करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट 2 cos एंड छोटी ब्रैकेट में क्या है 2 sin inverse 1/2। हमेशा सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो छोटी ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी टर्म्स होगी उसको आप इन एक्स के इक्वल मान लेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पर जो साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक्स के इक्वल मान लिया। तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो गई एक तरह से 1/2। और 1/2 जो है साइन में कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो साइन इनवर्स 1/2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, π/6। तो ब्रैकेट के अंदर हम टेंजेंट इनवर्स 2 cos एंड 2 sin inverse 1/2 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, π/6। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री, 1/2 होता है। तो cos π/3 की जगह मैंने 1/2 लिख दिया। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1। अब सभी को पता है टेंजेंट इनवर्स 1 का होता है 45 डिग्री, मींस π/4। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी है। फाइंड द वैल्यू कोट ब्रैकेट टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए। तो स्टूडेंट, ये जो टेंजेंट इनवर्स ए है, अगर आप फार्मूलों को ध्यान से पढ़ेंगे तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स जो है वो π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर π/x की जगह हमारे पास क्या है, ए। तो मैं क्या लिखूँगा, इसको π/2 ही लिखूँगा, ठीक है, चाहे x की जगह ए हो, बी हो, वाई हो, कुछ भी हो। और कोट π/2 की वैल्यू, कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जस्ट ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें टेंजेंट ब्रैकेट 1/2 और बड़ी ब्रैकेट में यहाँ पर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की दो टर्में दी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पहले इस साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1+x के इसको सोल्व करना चाहूँगा। तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, क्योंकि फार्मूला देखो, 2 tan θ 1+ tan²θ, ये होता है साइन 2θ का फार्मूला। तो मैं x की जगह यहाँ पर tan θ पुट कर लेता हूँ, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1+x². तो पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो x की जगह मैंने टेंजेंट थीटा पुट कर दिया नीचे भी, और अब ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2θ का, साइन इनवर्स साइन 2θ। तो साइन इनवर्स से साइन ख़त्म हो गया, तो जस्ट 2θ आ गया। अब थीटा क्या है हमारा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब जो इसमें नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या थी, कोस इनवर्स की। तो मैं उसमें भी क्या करता हूँ कि वाई जो है उसमें वाई दिया हुआ है, तो उसको मैं टेंजेंट थीटा ले लेता हूँ। तो थीटा की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, थीटा हम ले चुके हैं, तो मैं यहाँ 5 ले लेता हूँ, ये भी एक एंगल के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो 5 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स वाई, ठीक है, ये बाद में हम पुट कर लेंगे। तो क्या था हमारे पास, कोस इनवर्स 1 - y² अपॉन में 1+ y². तो y की जगह हम यहां पर रखने वाले हैं टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट स्क्वायर फाई अपॉन में 1+ tan²φ, ठीक है। और हमें पता है कि 1 - tan²θ अपॉन में 1+ tan²θ, ये किसका फार्मूला होता है, कोस 2θ का। तो कोस इनवर्स कोस खत्म हो गया, एक तरह से 2θ की जगह मैं फाई कर देता हूँ, कि हम फाई में लेके चल रहे हैं। तो फाई क्या है, टेंजेंट इनवर्स
y, ठीक है ना। phi की वैल्यू क्या है, tangent इनवर्स y। अब जो हमारी स्टार्टिंग जो टर्म थी, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग टर्म थी, अब उसमें मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यू को रख दूंगा। एक तो ये वैल्यू आ गई 2 tangent इनवर्स x, दूसरी वैल्यू आ गई 2 tangent इनवर्स y। तो स्टेटमेंट किस में बदल गई, tangent 1/2, और जो पहली टर्म थी हमारी वो होगी 2 tangent इनवर्स x, और दूसरी टर्म होगी 2 tangent इनवर्स y। अब यहाँ से 2 तो बाहर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में जस्ट रह गया tangent इनवर्स x प्लस tangent इनवर्स y। तो 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो tangent इनवर्स x प्लस tangent इनवर्स y, इसका हम फार्मूला लगा लेते हैं, tangent इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो tangent से tangent इनवर्स जो है वो ख़त्म हो गया, जस्ट हमारे पास बच गया x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो स्टूडेंट हमने क्या किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की टर्म थी, तो x को मैंने tangent थीटा पुट किया और y को मैंने tangent phi पुट किया। उसके बाद ये पूरी की पूरी टर्म फार्मूला हमारे पास 2 tangent इनवर्स x और 2 tangent इनवर्स y में आ गई। तो फिर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया जो कि नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया, और tangent इनवर्स x प्लस tangent इनवर्स y का मैंने फार्मूला लगा दिया। तो जस्ट tangent से tangent इनवर्स ख़त्म हो गया, तो ये जस्ट हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस इक्वेशन को ही लेकर चलता हूँ। साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x और 1, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ अगर साइन इनवर्स ले लेता हूँ, टेक साइन इनवर्स बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इधर भी लेफ्ट में भी साइन इनवर्स ले लिया, राइट में भी, तो साइन इनवर्स से ये साइन तो ख़त्म हो गया, तो साइन इनवर्स 1/5 कोस इनवर्स 1/ कोस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स 1 सभी को पता है पाई बाय 2 होता है। अब यहाँ से जो कोस इनवर्स एक्स है इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब आपको ये फार्मूला पता होगा प्रॉपर्टी में क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये फार्मूला होता है। तो अगर मैं कोस इनवर्स एक्स को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। तो अब यहाँ इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, साइन इनवर्स 1/5 और राइट हैंड साइड किस में चेंज हो गई, साइन इनवर्स एक्स के अंदर, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स के अंदर वो चेंज हो गई। तो अब साइन से जो साइन इनवर्स है ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जस्ट आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, स्टेटमेंट दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है और आपको एक्स की वैल्यू निकाल लिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि देखें, लेफ्ट हैंड साइड में tangent इनवर्स एक्स प्लस tangent इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देता हूँ। तो क्या होगा, tangent इनवर्स एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऊपर तो क्या होता है एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या होता है, 1 माइनस एक्स इंटू में वाई। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, और दूसरी तरफ क्या है, पाई बाय 4। अब ये जो tangent इनवर्स है ये तो उधर tangent पाई बाय 4 हो गया, और tangent पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये टर्म बच गई, इसका क्या ले लेंगे हम ऊपर नीचे एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2, तो x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2। नीचे भी जो एलसीएम है वो सेम ही आ रहा है, x माइनस 1 और x प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल में 1 है। तो ये टर्म है जस्ट हमारे साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर से नीचे वाले टर्म
कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, और नीचे जो है ये एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ये तो फार्मूला ही बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, टू एक्स से माइनस टू एक्स, और ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर, ऊपर बच गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर, साइन चेंज होंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस थ्री, सो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर उधर प्लस हो गया तो वन, टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वन, तो एक्स स्क्वायर आ गया वन बाय टू, स्क्वायर उधर अगर स्क्वायर रूट हो गया प्लस माइनस वन बाय रूट टू। ठीक है, तो ये जस्ट हमारे पास क्या गया आंसर, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन को ध्यान से करना है, तो इसमें कैलकुलेशन है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया, टेंजेंट उधर जाकर टेंजेंट पाई बाय फोर वन हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको हमने सोल्व किया एलसीएम लेके, तो लास्ट में एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अपॉन वन अपॉन में स्क्वायर रूट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू साइन इनवर्स साइन टू पाई अपॉन में थ्री, तो साइन इनवर्स साइन टू पाई अपॉन में थ्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो टू पाई बाय थ्री है, अब इसकी जो वैल्यू है, इस टू पाई बाय थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री। ठीक है ना, मैंने टू पाई बाय थ्री को क्या लिख लिया, पाई माइनस समथिंग कर लिया, या तो पाई बाय टू माइनस समथिंग कर लो या पाई माइनस समथिंग, तो मैंने पाई माइनस समथिंग कर दिया, तो साइन इनवर्स और साइन ये क्या हो जाएंगे, देखें साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन पाई बाय थ्री ही रह जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन ख़त्म, पाई बाय थ्री, तो क्या ये वैल्यू हमारी माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू के बीच में आ रही है, यस। ठीक है ना, ये आपका जो लास्ट हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ये वैल्यू जो है आपकी किसके बीच में आनी चाहिए, इसके बीच में आनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे, तो यस ये हमारा आंसर आ गया पाई बाय थ्री। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थ्री पाई अपॉन में फोर, तो इस थ्री पाई बाय फोर को भी मैं पाई की टर्म में चेंज कर दूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पाई माइनस पाई बाय फोर है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के टेंजेंट पाई बाय फोर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जो टेंजेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये किसको बिलोंग करता है, माइनस पाई बाय टू कोमा पाई बाय टू को, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ, अब ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को मैं कौन से क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ, फोर्थ में, क्योंकि फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ख़त्म हो गया, तो हमारे पास माइनस पाई बाय फोर, क्या ये इसको बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाय फोर, यस। देखें आपको जो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच है इनकी रेंज है टेंजेंट इनवर्स की साइन इनवर्स की, अगर वो आपको याद है तो आप उसके हिसाब से इस माइनस के साइन को वो एडजस्ट कर लेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो इसको माइनस को एडजस्ट करने के लिए मुझे इसको किस क्वाड्रेंट में लेके जाना पड़ेगा, फोर्थ में, फोर्थ के लिए आपको पता ही है कि माइनस के साइन को ब्रैकेट में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, यहाँ पर हमें बाहर टेंजेंट दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स और कोट इनवर्स, तो साइन इनवर्स थ्री अपॉन में फाइव, देखो बाहर टेंजेंट है तो मैं अंदर भी इसको क्या करूँगा, टेंजेंट इनवर्स में बदलूँगा, तो टेंजेंट इनवर्स में बदलने के लिए क्या फार्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स
एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट। ये किसका फार्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स का, ये फार्मूला होता है। तो मैं एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एक्स की जगह थ्री अपॉन में फाइव, नीचे वन माइनस थ्री अपॉन में फाइव का स्केयर। तो टेंजन इनवर्स थ्री अपॉन में फाइव, नीचे आ जाएगा एलसीएम लेके नाइन बाई ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन अपॉन में ट्वेंटी फाइव, थ्री अपॉन में फाइव, नीचे आ जाएगा सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव यानी कि फोर बाई फाइव, फाइव से फाइव कैंसल, तो टेंजन इनवर्स थ्री अपॉन में फोर, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? साइन इनवर्स थ्री अपॉन में फाइव की। ठीक है, तो साइन इनवर्स थ्री अपॉन में फाइव की वैल्यू हमने निकाल ली, टेंजन इनवर्स थ्री अपॉन में फोर। अब चलते हैं हम कोट इनवर्स की तरफ, कोट इनवर्स थ्री अपॉन में टू। ठीक है, तो कोट इनवर्स थ्री अपॉन में टू, इसको मुझे टेंजन इनवर्स में बदलना है। तो टेंजन इनवर्स में बदल के क्या वैल्यू आएगी इसकी? हमें पता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेंजन इनवर्स टू बाय थ्री, तो ये वैल्यू आ गई। तो स्टेटमेंट को दोबारा से फिर एक बार देखते हैं। तो स्टेटमेंट थी टेंजन साइन इनवर्स थ्री अपॉन में फाइव प्लस कोट इनवर्स थ्री अपॉन में टू। तो साइन इनवर्स थ्री अपॉन में फाइव, इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी? टेंजन इनवर्स थ्री अपॉन में फोर, और कोट इनवर्स थ्री अपॉन में टू, इसकी वैल्यू क्या आई है? टेंजन इनवर्स थ्री अपॉन में टू। तो देखें, हमारे पास जो ब्रैकेट में टर्म थी साइन इनवर्स, उसको हमने किस में बदल दिया? टेंजन इनवर्स में, फॉर्मूलों से, और कोट इनवर्स को भी फॉर्मूलों से हमने टेंजन इनवर्स में बदल दिया। तो हमारे पास क्या आ गया अभी? ये टेंजन इनवर्स थ्री अपॉन में फोर और टेंजन इनवर्स टू अपॉन में थ्री। ठीक है, ये टू अपॉन में थ्री है। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा किसका? टेंजन इनवर्स एक्स प्लस टेंजन इनवर्स वाई का। तो क्या फार्मूला होता है? टेंजन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स इंटू में वाई। तो टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स खत्म हो गया ये तो, और फोर और थ्री का एलसीएम ट्वेल्व हो गया, फोर थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर, फोर टू ज़ा एट। इसी तरह से नीचे ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस सिक्स, ऊपर जो बच गया हमारे पास नाइन प्लस एट सेवनटीन बाई ट्वेल्व, नीचे सिक्स बाई ट्वेल्व, ट्वेल्व से ट्वेल्व कैंसल, जस्ट सेवनटीन अपॉन में सिक्स हमारा आंसर आ गया। यानी कि अगर बाहर टेंजेंट था तो अंदर वाले टर्मों को हमने टेंजेंट इनवर्स में बदल देना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास कोस इनवर्स को 7 पाई बाय 6 है। तो पहले तो मैं इसको नियर बाय पाई प्लस या पाई माइनस जो भी है उसमें ले जाता हूँ। तो 7 पाई बाय 6 क्या होगा? पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये नेगेटिव। अब कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा, ये फार्मूला क्या होता है? ठीक है, कोस इनवर्स, ठीक है, माइनस एक्स क्या होता है? कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ? पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई बाय सिक्स, इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अब कोस इनवर्स और कोस तो ये ख़त्म ही हो गए, तो जस्ट पाई माइनस पाई बाय सिक्स, और ये एलसीएम लेकर सोल्व करके आ गया 5 पाई बाय 6। ठीक है, आपको यहाँ ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा, ये क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो मैंने इसको लिख लिया पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो ये कोस इनवर्स कोस ख़त्म होकर जस्ट क्या आ गया? पाई बाय 6, तो माइनस किया तो 5 पाई बाय 6 आंसर आ गया। तो 19th क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू। तो फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करते हैं क्वेश्चन को। तो साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो ये साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 है, तो इसके लिए क्या करो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैं ये फार्मूला यहाँ पर लगा लेता हूँ,
तो ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स एक्स मतलब 1/2, इस तरह से हो गया। ठीक है, ये जो वैल्यू थी मैंने इसके ऊपर क्या किया, फार्मूला लगा दिया, कौन सा, साइन इनवर्स माइनस एक्स का, जो कि ये होता है। तो अब क्या बच गया, साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर, 30 का मतलब पाई बाय 6, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 3 पाई बाय 6 यानी के पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या आती है, 1। तो सोल्व किया हमने इसको, इस क्वेश्चन को, तो 1 आंसर आ गया। तो हम कहेंगे कि इसका आंसर है डी ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी। तो इसमें की टर्म क्या हुई कि ये फार्मूला, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो तुरंत आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। तो टेंजेंट इनवर्स √3 तो एज इट इज ही रहेगा। अब कोट इनवर्स माइनस √3, इसमें कोट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला लगा देंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। देखिए, एक तो कोट इनवर्स माइनस एक्स और एक कोस इनवर्स, इन दोनों में क्या होता है कि पाई माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस कोट इनवर्स √3, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। तो टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कोट √3। तो टेंजेंट इनवर्स √3 और कोट इनवर्स √3 को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, माइनस पाई को अलग से। अब इन दोनों का इकट्ठा फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 को माइनस पाई किया तो माइनस पाई बाय 2 आ गया, तो इसका ऑप्शन बी, तो बी आंसर आ गया इसका, माइनस पाई बाय 2। तो इसमें जो की वैल्यू रही वो ये रही, कोट इनवर्स माइनस एक्स। अगर आपको इसका फार्मूला पता है तो जस्ट आपने फार्मूला लगाया और क्वेश्चन जो है फटाफट सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर दी। ठीक है ना, हमने इसके सारे क्वेश्चन किए हैं 1/1। तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर के अंदर, स्कोरिंग चैप्टर है। तो हमने एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्सरसाइज पूरी कर दी, इसके स्टूडेंट एग्जाम्पल भी ज़रूर करें। ठीक है ना, एग्ज़ाम्पल सॉल्व होते हैं उनको भी ज़रूर करें और खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें और माता पिता का नाम रोशन करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें। जय माता दी।